भारत में प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व निर्माता विश्वकर्मा भगवान का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेषकर लोहे और लकड़ी से संबंधित कारीगरों के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन इसी दिन आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के सुअवसर पर पूरे देश विदेश से करोड़ों लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। हमारी एमके न्यूज की टीम ने विभिन्न सोशल मीडिया में आने वाले सभी शुभकामनाओं का आकलन व अध्ययन कर रही है। इस दौरान एमके न्यूज ने डॉक्टर हेमंत कुमार तांत्या द्वारा रचित देश को समर्पित सच्चा श्रवण नामक अति मधुर गीत को भी सोशल मीडिया में देखा। दिल को छू लेने वाले इस गीत के गायक, गीतकार और संगीतकार स्वयं डॉक्टर हेमंत कुमार तांत्या हैं। श्री तांत्या देशभक्ति एवं सामाजिक विषय पर आधारित गीत बनाने के लिए मशहूर हैं और कई बड़े अवार्ड हासिल कर चुके हैं। विशेष बात ये कि उनके सभी गीत नॉन कमर्शियल एवं राष्ट्रीय भावों से भरे होते हैं। उनकी देशभक्ति गीतों में भारत माँ की संतान हम और तिरंगा विशेष उल्लेखनीय है। तत्कालीन गृह मंत्री व वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी उनके गीतों की काफी प्रशंसा की है। संगीत, समाज सेवा और कला के क्षेत्र में उनका योगदान सचमुच बहुत प्रशंसनीय है। हमेशा मुस्कुराते रहने वाले सहज सरल इंसान डॉक्टर हेमंत कुमार तांत्या और उनकी पत्नी रोसा तांत्या को कोरोना के दौरान बहुमूल्य समाज सेवा के लिए देश के सामाजिक कल्याण मंत्री श्री रामदास अठावले जी ने भी सम्मानित किया है। कहा जा सकता है कि डॉक्टर हेमंत कुमार तांत्या देश के एक अनमोल शख्सियत हैं। तो चलिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन के खास मौके पर उन्हें सच्चा श्रवण, जिसे डॉक्टर हेमंत कुमार तांत्या ने प्रस्तुत किया है। रह गए